जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। खबरों के दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो बेहद खास होती हैं, और उन खास खबरों में हमारा प्रयास होता है कि समाज में जो भी दबे कुचले बेसहारा और लाचार लोग हैं उन्हें हम न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंदी देने के लिए कोशिश करें। और इस कोशिश में कभी कभी कुछ कोशिशें रंग लाती हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, वो एक उम्मीद की किरण बन जाती है। ऐसी ही एक उम्मीद की किरण का मैं आज जिक्र करना चाहूंगा। दो दिन पहले आपने देखा होगा इसी दृष्टि नाव चैनल पर कि हमने दिखाई थी कुछ मासूम बच्चियां जिसे कि यहां से मानव तस्करों ने यहां से ले जाकर के दिल्ली में बेच दिया था। और उसके बाद बात यही नहीं रुकी, उस बच्चियों के साथ में भीषण अत्याचार हुआ था। उस अत्याचार से द्रवित होकर के दृष्टिनाव परिवार ने दिखाया था उसकी कहानी को, उसके दर्द को, और कोशिश की थी तलाशने की उन संभावनाओं को जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके जो मानवता को शर्मसार करती है। और इन्हीं कोशिशों का असर आज देखने को मिला। बेहद राहत भरी खबर आज देखने को मिली हम सभी को कि झारखंड सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बाल संरक्षण आयोग के गठन को मंजूरी दी है। जी हाँ, बाल संरक्षण आयोग, जिसके लिए कि लगातार प्रयास कर रहे थे कई सारे समाज सेवी जो कि महिलाओं और बच्चों के हित में काम करते हैं, मगर उनका प्रयास कहीं ना कहीं रुक जाता था, कहीं ना कहीं थम जाता था, क्योंकि किसके सामने आवाज उठाएंगे? आवाज उठाने के लिए एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए, कोई एक संस्था तो होनी चाहिए, कोई एक विभाग होना चाहिए जहां की अपनी बात को पहुंचा सके। तो उस संस्था का गठन का आज एक मील का पत्थर लग गया। जी हाँ, आपने देखी होगी कहानी कि इसी दृष्टिनाव पर हमने दिखाया था एक समाज सेवी आकाश शर्मा जो कि लगातार काम करते हैं, जिन्हें मानव तस्करों के द्वारा बेच दिया जाता है, उन बच्चों को जब उन बच्चियों को उन बालिकाओं को जब रेस्क्यू करके झारखंड लाया जाता है देश के विभिन्न स्थानों से, तो फिर उनके पुनर्वास के लिए कुछ संगठन काम करते हैं, कुछ समाज सेवी काम करते हैं। उन्हीं समाज सेवियों में से एक समाज सेवी आकाश शर्मा के साथ हमने दो तीन दिन पहले इसी चैनल पर उनसे संवाद किया था। उनके साथ में हमने एक डिबेट किया था कि कैसे इस मानव तस्करी पर रोक लग सकती है, और इस दृष्टिनाव की खबर का असर देखने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड सरकार को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी जी को कि आपने हमारी खबर को देखा और उस पर एक सकारात्मक सटीक संज्ञान लेते हुए आज एक बेहद महत्वपूर्ण काम कर दिया है महिलाओं बच्चों के हित में, जिससे कि मानव तस्करी पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं बहुत कारगर एक मजबूती मिल सकेगी। और इसके लिए दृष्टिनाव परिवार बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत आभारी है, बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम सभी झारखंड सरकार का। और साथ ही एक उम्मीद की किरण यहां से दिखती है कि अब कुछ अच्छा होने की शुरुआत हुई है। तो बने रहे ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए दृष्टिनाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।